फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मिल्क बार बनाने जा रही हूँ, जो बिना गैस जलाए कुछ भी नहीं, ओनली 10 मिनट में आपकी मिल्क बार तैयार हो जाएगी बनके। उसके लिए मैंने एक मिक्सर बाउल लिया है, उसमें मैं सबसे पहले 2 चम्मच नारियल पाउडर डाल रही हूँ। आप जाओ तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। मैंने ये चम्मच नाप के डाला है, 2 चम्मच नारियल बुरादा। अब मैं इसके अंदर तो 1-2 ही ये चीनी पाउडर डालूंगी। चीनी थोड़ी कम ही डालना आप, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। नाप के बुरादे से टेक्सचर इतना अच्छा आएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये इतनी अच्छी मिठाई बनेगी ना, खाते रह जाओगे आप। अब इसके अंदर हम उसी चम्मच से 2 चम्मच दूध डालेंगे। नॉर्मल दूध कैसा भी ले सकते हो आप, ओनली 2 चम्मच। और इसको मिक्स करेंगे, इसको 2 मिनट तक देखिए। 2 मिनट हो गए, रख देंगे। हमारा नारियल बुरादा कैसे दूध में एकदम मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, पूरा 1 कप नाप के डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको हाथ से मिक्स करेंगे अब अच्छे से। देखिए ऐसे आटा मावे जैसे लग रहा है, एकदम ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे तैयार हो गया। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसको घी से ग्रीस करेंगे। ये हमारा डो लगा हुआ है जो सारा इसमें प्लेट में जमा लेंगे। देखिए ऐसे जमा के अब इसके ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, पिस्ता, इसको अच्छे से जमा देंगे। अब इसको ऐसे अच्छे से करके जमा दिया हमने। अब इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, सही ये टाइट हो जाएगा। देखिए हमने फ्रिज में से निकाला, 10 मिनट हो गए। अब इसको हम काटेंगे। देखिए ये हमारा मिल्क बार तैयार है। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और 10 मिनट में तैयार हो जाता है और बिना गैस जलाए तैयार हो जाती है। इसको अब आप जरूर ट्राई करके बनाइए। और मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।